ये सब बेकार की बात है। जिन्होंने लाल किले बनाए, जिन्होंने ताजमहल बनाए और जिन्होंने बनाए वो गधों पे अशरफ यहाँ रख के लेके आए थे क्या? सारा भारत का ही माल था, हमारा ही पैसा हमारी धरती पर लगा दिया और मालिक तुम बन गए। ये नहीं बोला जा रहा है कि अकबर को किताबों से हटा देंगे, ये बोला जाएंगे अकबर को उसकी औकात किताबों में दिखाई जाएगी। इसके बच्चे बच्चे अकबर द ग्रेट, जो अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट नहीं थे, पर पाकिस्तान, जब पाकिस्तान और ये बना भारत का विभाजन हुआ तब क्यों नहीं कांग्रेस सोचा कि मुस्लिम कहाँ रहेंगे और कहाँ नहीं रहेंगे? अपने परिवार की किताबें छापी, अपने खानदान की किताबें छानी। ये तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर इतिहास अगर सही तरह मिला होता तो सुभाष चंद्र बोस का क्यों नहीं पढ़ाया गया, भगत सिंह का क्यों नहीं पढ़ाया गया, वीर सावरकर का क्यों नहीं पढ़ाया गया इतिहास? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद होना क्या है? हमारा जितना भी मंदिर है हमको पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि जब भी अगर हिंदू राष्ट्र बना के इनको आप रखिएगा ना, दंगा रुकने वाला नहीं। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में भगवाधारी संत बैठा हुआ है, क्या उसके राज्य में मुसलमान परेशान है? कोई मुसलमान परेशान नहीं है। कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कसाब को जो फॉलो करेंगे वो फंदे पर लटकेंगे, वो मारे जाएंगे और उन्हें समुद्र में बहा दिया जाएगा। कसाब को जो फॉलो करेंगे, मुसलमान के लिए मैं बता रहा हूँ, कसाब को जो फॉलो करेंगे, जो आतंकवादी को फॉलो करेंगे, जो ओसामा बिन लादेन को फॉलो करेंगे, बीजेपी प्योर हिंदू तो सरकार है, हिंदुओं को संभालने वाली सरकार है, हिंदुओं का सर ऊंचा उठाने सरकार है। बीजेपी ने ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, क्या वो कौन जात से थे? वो भी मुसलमान थे, क्या उनका मान सम्मान नहीं हुआ? जो हिंदू के बारे में सोचेगा, जो हिंदुस्तान के बारे में सोचेगा, जो हिंदू सर्वश्रेष्ठ के बारे में सोचेगा, उसको मान सम्मान दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में भगवाधारी संत बैठा हुआ है, क्या उसके राज्य में मुसलमान परेशान है? कोई मुसलमान परेशान नहीं है। हाँ, अतीक अहमद जैसे गुंडे, बदमाश, डाकू, ठग, चोर, ये सारे परेशान हैं, उनके घर पर पीला पंजा चल रहा है। ये सब बेकार की बात है। जिन्होंने लाल किले बनाए, जिन्होंने ताजमहल बनाए और जिन्होंने बनाए वो गधों पे अशरफ यहाँ रख के लेके आए थे क्या? सारा भारत का ही माल था, हमारा ही पैसा हमारी धरती पर लगा दिया और मालिक तुम बन गए। उन्होंने हमारी धरती पर कब्जा किया, हमारे हिंदू राजाओं को मारा और हमारे ही पैसों से हमारी जगह पर हमारा ही ईंटे पत्थर और हमारी मजदूरी, हमारा पैसा और मालिक वो धोखेबाज लोग बन गए। जिम्मेवार कौन है इसका? इसका जिम्मेवार हिंदू ही है। हिंदू आपस में मारा गया, आपस में ही लड़के मुसलमानों ने उसका फ़ायदा उठाया, आपस में हिंदू सारे मर गए। पृथ्वीराज सिंह चौहान अपने ही मोहम्मद गोरी कभी पृथ्वीराज सिंह चौहान को हरा नहीं सकता था जब तक उसके साथ उसका दूसरा राजा साथ में था, पर जैसे ही आपस में मतभेद हुआ दूसरा आके पड़ोसी आके हमारे पृथ्वीराज सिंह को मार के चला गया। मिटाया मुगलों को जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़, इतिहास नहीं मिटाया जा रहा, इतिहास सुधारा जा रहा है, ये बोला है। ये नहीं बोला जा रहा है कि अकबर को किताबों से हटा देंगे, ये बोला जाएंगे अकबर को उसकी औकात किताबों में दिखाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि अकबर शाह राजा नहीं था, उसे राजा बताया गया ना। अकबर एक जेब कतरा था, उससे बड़ा कुछ नहीं था, लुटेरा था, उसको किताबों में लुटेरा दिखाया जाएगा। और आप कुतुब मीनार की, हाँ कुतुब मीनार, लाल किले, ताजमहल की बात करें, ताजमहल का संगमरमर मेरे कुचामन से मकराना का था, और मजदूरी जो हाथी था वो भारत का था, मजदूरी थी वो भारत के हिंदुओं की थी, तो भाई साहब पैसा था हिंदुओं का था, सब कुछ भारत का था, उस बंदे ने किया क्या? शासक नहीं सर, शासक नहीं, तो हिंदुस्तान में आके गया। हाँ, तो वो गलत पढ़ाया गया ना सर, हम भी उससे ग्रसित थे, लेकिन बस ये है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज से बाहर निकल के आए। और सर एक बात बताइए, अकबरनामा की क्या जरूरत है भारत के इतिहास की पुस्तकों में? अकबरनामा की क्या जरूरत है? महाराणा प्रताप कहाँ हैं? बाजीराव कहाँ हैं? जानते हैं यहाँ पे, चलो महाराणा प्रताप, शिवाजी को सब जानते हैं, बाजीराव पेशवा कौन था यहाँ पे 90% लोग नहीं जानते। बाजीराव पेशवा वो था जिसने औरंगजेब के सामने ना औकात नहीं दी, औरंगजेब की पूरी फौज को अकेला आदमी मार देता था, तब उसको कौन जानता है? क्यों नहीं जानते भाई? तो बस इतिहास गलत गया है। ब्रेन जो मदरसों में मुस्लिम लड़कों की ब्रेन वॉशिंग करती जाती है ना, वैसे इन लेफ्टिस्ट ने ब्रेन वॉशिंग की हमेशा से पूरे भारतीयों की। कांग्रेस ने की है सर, कांग्रेस है क्या? कांग्रेस का फॉर्मेशन किसने किया 1920 के आसपास, ये बताएं? अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन किया, क्यों भाई? अंग्रेज क्यों करेंगे? और अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी भारत को क्यों चलाएगी? क्या रीज़न है? तो जब कोई आदमी कुछ फॉर्म करता है तो उसी की मानसिकता उसमें रहती है, तो अंग्रेजों ने फॉर्म की तो मानसिकता किसकी है? और आप अकबर को छोड़ो, इस्लामीकरण को छोड़ो, वो तो है ही, द्वेष है भारत के लिए, सबसे बड़ा दंश वही है। अंग्रेजी वर्चस्व क्यों चाहिए? ये हम ब्रिटिशर्स को, हमारे ऊपर राज किया, भाई राज नहीं किया, हमें लूटा इतने साल, ये क्यों नहीं बोला जाता? लूटा उन्होंने, जातिवाद जितना फैलाया उतना किसी ने नहीं फैलाया, धर्मों को उन्होंने भिड़ाया। पाकिस्तान अगर बंटवारा हुआ तो क्या अंग्रेजों का उसमें हाथ नहीं था? कैसे हो जाने दिया? अंग्रेज इतने अच्छे थे तो
तो सर कहीं ना कहीं बात तो यही है ना कि जो हो रहा है वो अब सुधारा जा रहा है, सही हो रहा है। मुस्लिमों को नहीं, कुछ मुस्लिमों को दिक्कत है, चिंदी चोरों को दिक्कत है, क्योंकि उनकी राजनीति उसी से ख़त्म हो जाएगी। वो मुगलों की संतानें हैं, वो अपने आप को ये भी उनसे ये पूछा जाए ना, भाई तुम्हारी 10वीं पीढ़ी के बाद 11वीं पीढ़ी में नाम किसका आएगा, वो बताऊँ क्या बोलते हैं, मुगल का आएगा। तो मुगल का जना क्या भारत का हो सकता है? नहीं तो ये तो बोले कि हाँ 11वीं पीढ़ी मेरी हिंदू थी, कम से कम ये बोलने में शर्म किस बात की है। और दूसरी चीज़, एक हकीकत बात बोल रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों से मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन मुगलों का जना बोलने का मतलब क्या है? उनके हरम में पैदा हुए होंगे ना, हरम किसको बोले जाता है? अभी बताऊँ हमारे मुसलमान भाइयों, आपको हरम किससे बोला जाता है? जैसे हमारे रानियों की दासियाँ होती थी ना, मुगलों के दास होते थे, उनका एक पर्सनल वो होता था, उसके अंदर दास दासियाँ होते थे मुगल शासकों के, अकबर जैसों के, औरंगजेब जैसों के, और उसमें उनके नाजायज जो संबंध होते थे उनसे पैदा हुए औलादें हुई हैं जो अपने आप को मुगल बोलती है। नहीं तो मुगल आते कहाँ से थे? मुगलों में क्या ऐसा हो गया कि 10,000 औरतें और 10,000 मर्द दोनों साथ में आए थे क्या? तो फिर मुगल यहाँ से पैदा कैसे हो गए? मुगल यहाँ के पूर्वज हो कैसे सकते हैं? शासक ये कहाँ से आए थे? शासक सवाल आप ये नहीं पूछते, इतिहास को दबाया गया है। ये आए मुगल कहाँ से आए थे? मुगल हिंदुस्तान के थे क्या? भारत के थे क्या? मुगल कहीं से आए थे? आक्रमक शासक थे जिन्होंने भारत के ऊपर बेइंतहा राज किया है। और अब तो इतिहास असली यूपी में पढ़ाया जा रहा है, जो वास्तविक इतिहास है भारत का, भारत के असली इतिहास को, जो वास्तविक इतिहास है उसको दबाया गया था मुगलों के द्वारा। तो ये तो जो योगी जी कर रहे हैं बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं, और पूरा भारत उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे भारत का इतिहास बदलना चाहिए, जहाँ जहाँ मुगल है सबको बदलो, सबको बदलो। अरे लाल किला और कुतुब मीनार का क्या है भाई साहब? अभी आप मोदी जी पार्लियामेंट बना रहे हैं उसको देखो, जो भारत का है भारत को देखो, बाहर का विदेशी आक्रमणों को मत देखो, जो भारत का है उसको वास्तविकता रूप से आप देखो। अभी एक सवाल हो रहा है कि क्या मुगलों का इतिहास खत्म कर देने से क्या वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, खत्म करने की जरूरत क्या है? मुगल का जो इतिहास है वो रहेगा, जो है जो हम लोग का इतिहास है वो तो रहेगा ही, पर हिंदू का इतिहास को मिटा क्यों दिया गया? झांसी की रानी हुआ, राणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, कितने बड़े बड़े जो हुए, जो इतना लड़ाई लड़े हैं युद्ध में, उनको क्यों हटा दिया गया? उनका इतिहास कौन जानता? आज के बच्चे बच्चे अकबर द ग्रेट, क्यों अकबर द ग्रेट? अशोका द ग्रेट नहीं थे? अशोक एक बहुत महान सम्राट हुए थे, उनके काहे नहीं नाम लिया जाता है? उनके उनकी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है? तो ये है, मुगल को हटाने की जरूरत नहीं, जो इतिहास है वो तो इतिहास रहेगा ही। ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाया नहीं गया? हाँ, नहीं पढ़ाया गया, एकदम नहीं पढ़ाया गया। बहुत छोटा सा टॉपिक, मैं खुद हिंदी प्रदेश से हूँ और पढ़ी भी हूँ, लेकिन एकदम थोड़ा सा ही पढ़ाया गया। जो हम लोग पढ़े अकबर बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, सब पढ़े, पर कहाँ पढ़े कि राणा प्रताप के बेटे कौन है, पृथ्वीराज चौहान के बेटे कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन है, अशोक के बेटे कौन है, यहाँ तक कृष्ण के बेटे कौन है, कहाँ पढ़ाया गया? ये सब पढ़ाई नहीं गया, ये सब पढ़ाई होना चाहिए, गीता का भी होना चाहिए, आखिर मदरसा में होता है ना पढ़ाई, उन लोग अपने पढ़ाते हैं नहीं? अब पढ़ाना चाहिए, वो चीज पढ़ानी चाहिए जो लड़के को जरूरत हो। क्या जरूरत है? जरूरत है इंजीनियर बनो, कोई बड़े बड़े अपने माँ बाप की बुराई करना, ये है आजकल पढ़ाई जाने की पटरिया कवर देना, वो पुराना संस्कार। मैं देखो मजा आ रहा है आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो पीछे संस्कार है अगर वो नहीं पढ़ाए जाएंगे तो आज ये हालात हो रहे हैं, सब माँ बाप की इज्जत लोग पूरे नहीं कर पा रहे। इसलिए इज्जत पाने के लिए पीछे संस्कार बहुत जरूरत है। गोकुलपुरी की पढ़ाई, गोकुल की पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इंसान पढ़े लिखे होते हैं वो हर वक्त तरक्की करते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो आप उनकी भाषा को देख सकते हो। हमारा इतिहास सही से पढ़ाया नहीं गया, सवाल यही है। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास अगर सही पढ़ाया गया होता, सही लिखी होती, जिसका राज्य था उन्होंने तो सिर्फ अपने राज्य का अपने बारे में किताबें छापी सारी, अपने परिवार की किताबें छापी, अपने खानदान की किताबें छानी। ये तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर इतिहास अगर सही तरह मिला होता तो सुभाष चंद्र बोस का क्यों नहीं पढ़ाया गया, भगत सिंह का क्यों नहीं पढ़ाया गया, वीर सावरकर का क्यों नहीं पढ़ाया गया इतिहास? कहने का मकसद है खाली एक ही परिवार के खानदानी चैप्टर चलते रहे और उसी चैप्टर से लोगों को गुमराह करते रहे,
और जितना भी धन और दौलत अपने लिए भरते गए बनाते गए, आज वो काम नहीं हुआ। अगर वो कर लिए होते तो आज देश काफ़ी ऊंचाइयों पे होता और तरक्की पे होता। हिंदू राष्ट्र की मांग उठे मैम, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। मैं तो हिंदुत्व के प्रति ही जागरूक हूँ और हिंदू मेरे रग रग में बसा है। हिंदुत्व मुस्लिम रहेंगे पर पाकिस्तान, जब पाकिस्तान और ये बना भारत का विभाजन हुआ तब क्यों नहीं कांग्रेस सोचा कि मुस्लिम कहाँ रहेंगे और कहाँ नहीं रहेंगे? अच्छा। विभाजन किस शर्त पर हुआ था? इसी शर्त पर हुआ था ना कि मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू यहाँ रहेगा। फिर जब अगर यहाँ रहे तो रहे पर ढंग से रहे, ये नहीं कि हिंदू के पर्व त्योहार पर पत्थरबाजी करे, मारपीट करे, जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुसलमान हो जाए, केरल में सिर्फ मुसलमान का राज कर दे, पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमानों को तरह दिया जाए। क्यों हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू का राष्ट्र हो के पाकिस्तान तो बना दिया गया था, जाए अपना। अगर यहाँ ढंग से नहीं रह सकते तो जाए पाकिस्तान में, कोई मना तो किया नहीं है, जाए। हाँ एकदम जाइए। अगर यहाँ ढंग से नहीं रह सकते हैं, हिंदुओं के साथ मिल के नहीं रह सकते, तो आपका तो बना दिया गया था 1947 में ही, बंटवारा कर दिया गया था ना, तो आप हाँ कांग्रेस नेहरू जी किए थे और क्या, जो किए थे उनका तो नाम लिया ही जाएगा ना, वो तो इतिहास। आप जो इतिहास का बोल रहे हैं, इतिहास ही तो जानता है, इतिहास में तो है ही है, तब एकदम बताना चाहिए। एकदम भाषा क्या होता है हिंदू राष्ट्र की, जैसे झरना लेके घूम रहे कोई बता रहे हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, हिंदू अगर हिंदू है तो हिंदू की तरह से रहिएगा, हिंदू के भगवान को देवता को मानिएगा, अगर मुसलमान है तो मुसलमान की तरह रहिए, पर आपस में लड़ करके और हिंदुओं को ही नीचा दिखाइए और अपने नहीं लड़ाई भी मत करिए और हिंदू के ऊपर आप बल से मत करिए। आप क्यों साथ मिल करके एक ढंग से नहीं रह सकते हैं? रहिए ढंग से। सर आप बोले थे कि पाकिस्तान चले जाइए। हाँ एकदम, हाँ लिखा नहीं 1947 में जब भारत देश का बंटवारा हो गया है तो अब उनका कोई अधिकार ही नहीं है भारत देश में रहने का। जलील थोले के साथ रह रहे हैं और आतंकवाद का घटना कर रहे हैं, उनको तो जाना चाहिए था पाकिस्तान। बांग्लादेश जो बंगाली बोलने वाला मुसलमान है वो बांग्लादेश को जाए, जो हिंदी बोलने वाला मुसलमान है वो पाकिस्तान की ओर जाए, अफगानिस्तान की ओर जाए, हिंदुस्तान में उसका कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद होना क्या है? हमारा जितना भी मंदिर है हमको पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि जब भी अगर हिंदू राष्ट्र बना के इनको आप रखिएगा ना, दंगा रुकने वाला नहीं, ये बम ब्लास्ट रुकने वाला नहीं है, ये टेररिस्ट फिर पनपेंगे, क्योंकि उनका जो बेसिक पत्थरबाजी तो होते ही रहेंगे, एक चाकूबाजी होते ही रहेंगे, ये घटनाएं होती रहेगी देश का, क्राइम रेट में इनका भागीदारी बढ़ते रहेगा, और जो क्राइम रेट के भागीदारी बनने वाले अपराधी है जब उनको मारने जाइएगा तो उनके प्रोटेक्शन में OBC जैसे मुस्लिम लीडर खड़ा हो जाएंगे कि एक धर्म के समुदाय के खिलाफ में गवर्नमेंट अन्याय कर रही है, उसको नहीं दिखता अपराधी अपराध किया है तब उसको इनकाउंटर में मारा जा रहा है, ये नहीं दिखता है, इनके साथ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अब देखें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वुड लॉक कमीशन आया था, उसके बाद विभिन्न टाइप का कमीशन आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ शुरू से हमें एक स्लेव, एक जो हमारा स्टडी पर्पज था, हमें नौकर बनाने के लिए पढ़ाया जाता था। अच्छा। और शुरू से हम पे इम्पोज किया जा रहा है कि हम पे ये 800 साल से 900 साल से हम इनके गुलाम रहे हैं। पर रियलिटी मैं बता दूँ, हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1857 से लेकर 1947 तक ये जो चला था उस टाइम 90 बरस का ही था। आप देखो कोई दिल्ली में कोई शासक है मुसलमान शासक है तो क्या पूरे भारत पर राज कर रहा है ना कोई? तो वैसे ही इस टाइप का पहले तो आपने दिमाग से हमें ब्रॉड ये निकालना होगा हम पे कि भारत शुरू से आज़ाद रहा था और सदैव आज़ाद रहेगा। और भारत में शुरू से लेकर हमारा विचारधारा, आपका विचारधारा या जितने भी लोग हैं क्या विचारधारा, मैं एक समानता मन से शुरुआत करना चाहूँगा, हिंदुआ सबोदे सर्वे ना हिंदुआ पतितो भव मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मन समानता। हिंदुओं बोलते जितने भी हैं इस संसार में सभी भाई हैं, और हिंदुओं में कभी मुसलमान जो या कोई हिंदू इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो हिंदू कुछ रीजन में जो है सारे हिंदू हैं, तो ये डिवीज़न कहाँ से आप अपने मन में पैदा कर लिए हो? खास करके मैं उनको जो
विदेश से जो आतंकवादियाँ बोलो या आक्रांता बोलो, वो आपके पुश्तैन कैसे हो गए? और रही बात आपके यहाँ आके ताजमहल बनाए, उनके यहाँ तो खाने को खाना नहीं, रहने को झोपड़ा नहीं और पहनने को कपड़ा नहीं, यहाँ पे आपके यहाँ आके ताजमहल बना रहे हैं। तो ये जो आतंकवादी या जो लुटेरे बाहर से आए हैं, उनका हिस्ट्री क्या है? तो कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट का, या कहीं ना कहीं हाँ पिछले गवर्नमेंट का बोल सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो शुरू से हमें जो इतिहासकार, क्यों आपको इतिहास अगर आपको इतना कमज़ोर करके, इतना मचोर के, इतना मतलब कमज़ोर करके दिखाया जाएगा ताकि आप इतना कमज़ोर फील करें अपने आप को, इतना वीक फील करें ताकि आप अपने आप को उभार ही ना पाएँ। तो यही कहीं ना कहीं यही उनका चाल होता है शुरू से। देखिए हमारे यहाँ ये ताजमहल, ताजमहल का हिस्ट्री क्या है? मुमताज़ बेगम जैसे मही नहीं, उसके बाद दूसरे उनकी बहन से, अब प्यार का निशानी भैया, अब आप देख लो वो प्यार का निशानी ऐसा है कि भैया अभी वाइफ मरी नहीं, दूसरा उन्होंने शादी कर लिया, वो भी उसके पति को मार के, है ना? बिल्कुल आपको इतिहास पता हुआ, ये तो इनका इतिहास है और वो भी इतना गलत इतिहास है। हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इनका जो मतलब कि अब भारत की लोग जाग चुकी है, सब एक सब समझ चुकी है, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, गलत इतिहास बना के नौकर नहीं बनाया सकता, भारत के लोग शासक बनेंगे, वो हौसला है हमारे। मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 42nd अमेंडमेंट में हमारे यहाँ सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया गया था, है ना? अब सोशलिस्ट का मैं बताऊँ, ये गांधी और नेहरू फिलोसफी आइडियोलॉजी उससे ऐड कर दिया गया था, और सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया गया था, और ये पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ। ये तो ऐसे ही असंवैधानिक है। जो हमारे यहाँ, मैं आपको मैं ऐसे लीगल में काम भी कर रहा हूँ और लीगल पढ़ भी रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ बेसिकली जो इनका जो इनका सेकुलर का जो वर्ड था, ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में लाया था, उस समय तो पास भी नहीं हुआ। 40 पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा मिनी अमेंडमेंट उन्होंने ले आया, इतना बड़ा बदलाव लाया, भाई पार्लियामेंट में पास कर लो, पास ही नहीं किया। और ये इम्पोज क्यों भाई? और सेकुलर का डेफिनेशन क्या है? जहाँ पे आपकी 10% से कम आबादी हो, अब भारत में अब 18% आबादी है, फिर भी आप सेकुलर, फिर भी आप माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री बना रहे हो और माइनॉरिटीज का सारा बेनिफिट उठा रहे हो, तो आप देखो कहीं ना कहीं ये गलत है ना। तो लोग जाग चुके हैं, भारत के लोग जाग चुके हैं। अब जो मतलब कि जो मेरा डिवाइड एंड रूल, जो राजनीति में रोटी सेकने का कार्य हो रहा था, वो कार्य नहीं हो पाएगा। चोर चोर मोसेरा भाई, जितना भी चोरी कर ले उनका मतलब कि एक साथ नहीं आ पाएंगे। रामनवमी में कुछ जगह पथराव हुए थे पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र, क्या हिंदुओं को टारगेट किया ऐसा? नहीं देखिए मैं आपको इससे पहले हिंदू त्यौहार में ऐसा क्यों? आप सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, अब हिंदुओं एक हो जाओ, है ना? हिंदुओं एक हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान, पर जो भी सच्चाई है, जो भी धर्म की राह में चलता है वो हिंदू है, ऐसा नहीं है। और हिंदुओं मतलब एक कास्ट नहीं है, हिंदुओं एक रहने का तरीका है, एक परंपरा है, एक संस्कार है। तो मतलब सारे संस्कारी लोग एक हो जाओ, और जो असामाजिक तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, ये तो आपको परेशान करने के लिए रोड़िया, कब तक रोकोगे? कब तक आप ये करोगे गलत काम? ये आपको डराने के लिए एक साथ करेंगे, बट भारत की जनता जाग चुकी है। अब देखो अन्याय हमें शुरू से हमें पढ़ाया क्या जाता, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा उसके आगे का तो नहीं बताया जाता, है ना भाई? अहिंसा ही हमारा धर्म है। कोई हमें एक चाटा मारे, एक गाल आगे का दो, मारो इधर से, है ना? ये तो हमारा शुरू से संस्कार है, और ये संस्कार के कारण होता। एक आपने गाना सुना होगा, सत्याग्रह का है, सत्याग्रह का है गाना, है रघुपति राघव राजा राम। अब मतलब उसके आगे मैं आपको सुना ही देता हूँ, हाँ रघु, उसके बाद मैं आपको सुना, एक मिनट आपके पास टाइम हो तो वो लिरिक्स मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें बेसिकली बताया गया कि आप अन्याय नहीं सहेंगे, है ना? मतलब बदला नहीं लेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, मुझे इतना शक्ति मत दो, मुझे सहने की शक्ति आप। रघुपति राघव राजा राम, पति पटावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पति पटावन सीता राम, अब तक धीरज मांग रहा था प्रभु, अब धीरज मत देना प्रभु, अब धीरज मत देना, सताए सताता सताए जाए सताते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना, उठकर करना है कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, पर जो जुर्म करता वो कहाँ तुमसे डरता, घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, घायल है भोला इंसान, अब नहीं घायल रह पाएंगे।